एक बार समझ जाएंगे
पहले संसार सागर में आना नहीं पड़ेगा। पहले में बोले थे त्रिशु धामेशु यद् भोज्यं भोक्ता तस्य प्रकृतिः ज वेद एक सब भूल जानो नारी। पहला प्रकरण में आया था श्लोक त्रिशु धामेशु यद् भोज्यं भोक्ता तस्य प्रकृतिः। तीन धाम क्या है? जागृत स्वप्न सुषुप्ति। और भोक्ता कौन कौन है? तीन अलग अलग व्यक्ति, मीरा तेजस और प्राप्त इंडिविजुअल। मतलब एक रेस्टोरेंट में मान लीजिए आप गए हैं, वहाँ पे अलग अलग टेबलों में अलग अलग व्यक्ति बैठ करके अलग अलग खाना खा रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, तो आपका उसकी भोजन से तृप्ति व भोजन संबंधित कोई अपाक गुरुपा कुछ भी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप तीन अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग इतना ही मात्र आप करते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी भगवान की होटल में ये जो है वो जागृत अभिमानी चेतन, स्वप्न अभिमानी चेतन और सुषुप्त अभिमानी चेतन अलग अलग टेबल में बैठ कर के कोई स्थूल भोग करता है, कोई सूक्ष्म वस्तु खाता है और कोई अपने अज्ञान को देखता है। अज्ञान को है अपने अस्तित्व को समझे। इन तीनों को देखने वाला व्यक्ति अस्कालक जो बैठा वो उसके साथ कभी भी देखा हुआ नहीं है, क्योंकि उनके साथ संबंध ही नहीं है, उसका तीनों को देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से सब न पता है, यहाँ भी वैसे ही बोल जाए एवं न चाहते चित्तम एवं धर्म अजस्मित। इसलिए इस प्रकार जो व्यक्ति समझ जाता है न पतंति भी बढ़ जाए वो फिर जो संसार सागर में नहीं आते हैं। अच्छा तो इसके ऊपर इस श्लोक को तो पढ़ लिए थे ना, एक बार मिल करके पढ़ेंगे, एक बार मिल करके एवं न चाहते चित्त एवं धर्म अजस्मित अजत्तम उपपादित चैतन्यमय है। चैतन्य नहीं है, मैं भी नहीं बोला, मैंने कहा था चैतन्य रूपी है। ब्रह्मनश्चित रूपस्य अजत्तम, उसकी उत्पत्ति होना भी संभव नहीं है, प्रतिपादित हम उसको प्रतिपादन करें युक्ति को समझाया गया है, अब उसको प्रशंसा करते हैं, अब उसको प्रशंसा करते हैं एक अपना चाहे तो चित्त। ठीक है अब देखिए बोलते हैं चित्त प्रतिबिंबाना जीवाना बिंब भूत ब्रह्म मात्रत्व अजत्तम अविशिष्टम। इस प्रकार जो प्रतिबिंब है जीतहास बोलते हैं चैतन्य का प्रतिबिंब जीव में दिखाई पड़ता है। यदि बिंब में जन्म नहीं है तो प्रतिबिंब में जन्म कहाँ से होगा? बिंब कथा में प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, इसीलिए बोलते हैं चित प्रतिबिंबाना जीवाना। जीव क्या है? चैतन्य की प्रतिबिंब है। प्रतिबिंबवत को लेकर जो बोलते हैं बिंब भूत ब्रह्म, उसका जो बिंब है वो क्या है? व्यापक है, ब्रह्म मात्र का, और कैसे जन्म से रहित भी है, व्यापक है और जन्म से रहित भी है। तो अविशिष्ट ये धर्म उसमें भी आएगा, अविशिष्ट सामान्य धर्म आएगा, इसीलिए एवं धर्म अजास्मिता। क्योंकि इसको जगत के उपादान कारण दिखाया गया है, मूल उपादान कारण, उसमें सृष्टि होना संभव ही नहीं है, तो जीव की उत्पत्ति कहाँ से होगी? न कश्चित जायते जीव संभव से न विद्यते एतत् तत्त्व उत्तमं सत्यं यत्र किञ्चित् न जायते। अच्छा एवं धर्म अजस्मिता। अच्छा उक्त ब्रह्मात्म ऐक्य ज्ञानस्य फलम्। इस प्रकार से मतलब इसमें उस व्यापक तत्व के साथ अपने अभिन्नता की बोध के फल क्या है? उक्त ब्रह्म आत्म ऐक्य ज्ञानस्य, मतलब मैं ही उस व्यापक तत्व हूँ, पूर्ण हूँ, असंग। इस प्रकार जो ज्ञान होता है उस ज्ञान का क्या फल होता है? इस प्रकार का अनुभव का फल है एवं एवं विजानंत न पतंते विपर्यय, फिर जो है वो संसार सागर में नहीं आते हैं। अब जो भगवान भाष्य का श्लोक अक्षराणि व्याकरण, श्लोक में आए हुए अक्षरों को व्याख्या करते हैं। बोलते एवं यथक्तेभ्य हेतुभ्य न जायते चित्तम। ठीक है ना, कि ऊपर जो भी कहा गया यथक्त हेतु मतलब कि सृष्टि होना संभव ही नहीं है, क्या हुआ मतलब कार्यकरण भाव को निरूपण करना कठिन है। ये देखो कि यथक्तेभ्य हेतुभ्य ना, वहाँ पे क्या टीका में देखिए कार्यकरण भावस्य दुर्घनत्वादयो यथक्ता हेतव। ठीक है आप देखिए समझेंगे कैसे, ऊपर हेतु पद दिया हुआ है, इसमें हेतुओं से वो हेतु क्या है? बोलते हैं कार्य कारण भाव से दुर्घनत्व, धातु भी बन जाते
बोलना थमी आता है, स्पष्ट बोलना, बद्ध तो स्पष्ट बोलना, बद्ध तो स्पष्ट बोलना। यहाँ पे दुर्मलता इसको स्पष्ट करके कहना संभव नहीं होने के कारण यही जो है युक्ति था। आद जथकता हेतव जथकतेभ्य हेतुभ्य, इसका अर्थ हो गया जो कार्यकरण भाव पर निरूपण करने संभव नहीं है, और उसके लिए जो भी हेतु दिया हुआ है उसको यहाँ पे समझ करना चाहिए। दुर्मलता पांच नंबर टिप्पण में देखिए, जन्म दुर्निरूपणत्वा सॉरी निरूपणत्वादय आदिना ग्राह्य, वहाँ पे क्या है जथक्तेभ्य हेतुभ्य, तो वहाँ पे बोलते हैं कार्यकारणत्व अभाव से दुर्मलत्वादय। यहाँ पे जो आदि पद आया हुआ है ना, कार्यकारण भाव को कथन नहीं किया जा सकता और एक वहाँ पे दिया हुआ, तो उसको बोलते हैं जन्म दुर्निरूपत्वादय। जन्म को निरूपण करना कठिन है, जन्म कठिन इस प्रकार से दुख आदि न ग्राह्य, मतलब कार्य कारण भाव होना संभव ही नहीं है, क्योंकि जन्म जो आपको दिखाई दे रहा है वस्तु परमाणु दिखाई नहीं हुआ, इसको निरूपण करना कठिन होने के कारण निश्चय होने का दूर होना कहना कठिन है। कार्य कारण भाव जन्म दुर्निरूपत्वादय आदि न, आदि पद कहाँ गया दुर्मलत्वादय, यहाँ पे जो आदि पद आएगा उसका ही अर्थ है कि आपको वस्तु निरूपण करना कठिन होता है। आपको मैं पूछूं आप कौन, आप कौन दिखाऊं, हाँ जी आप क्या है, आप देखो आप कहाँ हैं। मैं अगर आपसे पूछता हूँ आप कहाँ हो दिखाओ, तो क्या दिखाओ, अरे वो तो तुम्हारे छाती ठीक है, ऐसा एक एक करके नहीं, नहीं आपको नहीं समझ पा रहा, मैं तो ये हूँ लेकिन तुम्हारा हाथ है, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ दिखाओ, दिखा रहे हो। इसके लिए जन्म जो हमको समझ रहे हैं ना वो भी निरूपण करना कठिन होता है। ठाकुर रामकृष्ण देव जी के पास एक व्यक्ति सुना था कि जब ठाकुर जी के पास माँ आते तो ठाकुर जी के साथ उनको वार्तालाप होते, तो आप मेरे को दिखा सकते हैं, तो हम लोग उतना नहीं होता, हाँ दिखा सकते हैं, तो हमेशा नहीं आते, जब कभी कभी उनकी इच्छा होती है तब आते हैं, काम करो तुम्हारा पता मेरे को दे के जाओ, जब मेरे पास आएगा तो मैं तुमको बुला दूंगा। तो मामूली बात है, तो अपने वो क्या किसी कार्ड टूट के होता है ना वो निकल के दिया, अरे भाई ये तुम्हारा ऑफिस का पता है, ये नहीं पूछा ये तुम्हारा, तुम कहाँ रहे हो तुम्हारा, तब वो क्या किया अपना घर का एड्रेस खोल लिया, अरे भाई ये तो मकान के एड्रेस दे रहे हो तुम, मैं तुम्हारा एड्रेस पूछ रहा हूँ, तो फिर चौंका। तब ठाकुर जी बोलते हैं जिस दिन तुमको तुम्हारा पता पता लग जाएगा उस दिन देखना मेरी माँ तुम्हारे लिए वहाँ का इंतजार कर, ये उनको तो ये जो है कि जब हमको पता ही नहीं रहता कि मैं घर हूँ तभी हमको पता लग जाएगा, तुमने दो निरूपण वाली निरूपण करना कठिन होता है कि मैं हूँ मैं कहाँ हूँ, सब उल्टा उल्टा समझ लगा जन्मांतर संस्कार उल्टा, तीसरी वो तो हमारे स्वरूप हमारी माँ तो हमारे लिए हमेशा इंतजार कर रही है, और भाग मुझे देखने का यही नहीं समय ही नहीं मिल पाता, भारी जगत उम्र जो आजकल व्यवहारिक जगत में हो रहा है, पुत्र बड़ा माँ बाप ने पाला जो चैतन्य तत्व हमको पाला, आपका बाहरी जगत की सौंदर्य इतना हो गया कि भगवान को देखने का मन नहीं आ बैठे, देखने का व्यवहारिक जगत ऐसे हो गया समय नहीं। जन्म दुर्निरूपणत्वादयश्चाधीनक्रायेयं करने कठिन होता है, कार्य कारण भाव से दुर्निरूपणत्वादय यथक्ता हेतु भी हेतु से वर्णन करना है, कि एवं यथक्तेभ्य हेतुभ्य न जायते चित्तम एवं धर्म आत्मन अज चित्त उत्पत्ति नहीं है, एवं धर्म अजस्मिता एवं न जायते चित्तम, चित्त से क्या लेना है तो आनंद के चित्त है, चित्तम चैतन्य ब्रह्म हेते जागत, क्योंकि वो चित्त के संस्कार के कारण उत्पत्ति होते से चित्त शब्द प्रयोग किया, परंतु चित्त जैसे संस्कारित होता जाता है तो क्या होता है चित्त में ही रह जाता है, क्या होता है संस्कार हट जाता है, चित्तम चैतन्य ब्रह्म हेते जागत एवं धर्म आत्मनो अदास्मिता, किन लोगों की तरह कहा गया है स्मरण किया गया ब्रह्मविद्भिः, ब्रह्म सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाएगा,
तत्ववेद का पुरुष ऐसा कहते हैं। तो प्रश्न होता है, अच्छा आगे देखिए टीका में प्रतिटीका भाष्य क्षेत्र प्रतिबिंबान बिंब मात्रत्व जीवानाम अपि प्रतिबिंब कल्पानाम बिंब भूत ब्रह्म मात्रत्व इति अर्थ। ब्रह्म का जन्म नहीं होता ये मानने के लिए तो हम बिंदु तैयार होता है। तो अब जो है ये परंतु बृहद जन्म होता है ये तो मान लिया, परंतु जब तुम ब्रह्म स्वरूप हो तुम व्यापक स्वरूप तो चेतन हो तुम्हारा कहाँ के जन्म होगा उधर नहीं है मनुष्य को एक्सेप्ट नहीं कर पा। इस प्रकार आधार्य मैंने भगवद गीता में जो जब भगवान बोलेंगे कि माम चतुअरण भक्ति योगी ब्रह्म बोले कर ये कैसे हो सकता है जब उसे ब्रह्म नहीं प्रतिष्ठा हूँ। ठीक है मैं ब्रह्म का प्रतिष्ठा हूँ और क्या शब्द प्रयोग किया अहम। अहम शब्द का भूमि अर्थ क्या है भक्त का आत्मा और आत्मा कितना है हमारे पास आपको ये मानने के लिए आप तैयार होंगे कि यही आत्मा पूरा ब्रह्म का धारण किया हुआ है मन मानने के लिए तैयार हो। भगवान बोल रहे इस चीज को मैं नहीं बोल रहा हूँ भगवान स्वयं बोल रहे इस चीज को कि तुम ही पूरा सृष्टि को धारण कर रहे हो ब्रह्म नहीं बदल। इसीलिए जो अपने को अभिन्न रूप से अव्यभिचय रूप से बार बार चिंतन करता है वो माया को पार करता है। आप नहीं मन मानता है तो ठीक है ईश्वर में आप ईश्वर का ठीक है ना मुख्य अर्थ तो इसका ही है मुख्य अर्थ वेदांतिक दृष्टि से ही इसका अर्थ है। इसलिए आप बोलते देखो प्रतिबिंबान बिंब मात्रत्व प्रतिबिंब जो होता है वो बिंब का ही मात्र प्रतिफलन है। इसी प्रकार से जीवानाम भी जीव कैसा है चिदाभास प्रतिबिंब कल्पना प्रतिबिंब के सादृश्य कल्पना मतलब प्रतिबिंब के तरह वहाँ पे दिखाई पड़ता है। बिंब भूत ब्रह्म मात्रत्व जो बिंब भूत ब्रह्म है वो उतना ही है ब्रह्म मात्रत्व और कुछ नहीं है मात्र शब्द प्रयोग किया कोई भी विशेषता नहीं है शुद्ध चेतन मात्र ही है इति अभिप्राय ये इसका अभिप्राय एवं ना जायते चित्तम। भगवान जन्म नहीं लिया था कोई बात नहीं अजो विषणम भय आत्मा परंतु हम तो जन्म लेते हैं महाराज इस चीज को माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता जन्मांतर संस्कृति की जो है यही साधना है बार बार धीरे धीरे शास्त्र वाक को गुरु वाक को स्मरण करते ठीक है शरीर अपने जगह पे है परंतु यथार्थ स्वरूप यही है। इसलिए बोलते हैं प्रतिबिंबानाम बिंब मात्रत्व जीवानाम अपि प्रतिबिंब कल्पानाम बिंब भूत मात्रत्व इति अर्थ। ये हो गया ब्रह्म का कौन सा एवं धर्म आत्मन अजस्मिता ब्रह्मविद् इस पंक्ति का अर्थ कर दिया टीकाकार। टीकाकार इस पंक्ति के साथ कोई प्रतीक नहीं है समझ में आपको जो टीका इसका मतलब क्या हो गया वो जो एवं धर्म आत्मन अजस्मिता इसके पीछे हेतु देकर समझा दिया टीकाकार क्यों नहीं है ये टीकाकार इसका अर्थ कर। अब अगले के लिए बंद कर दे अद्वयस्य बहुवचन भक्तम अद्भुतम इति आशंका। आपने क्या बोला भेद रहित है द्वैत तो है ही नहीं जो अद्वय मतलब भेद रहित है और वहाँ पे धर्म शब्द कैसे प्रयोग कर दिया था बहुवचन में कैसे द्विवचन भी नहीं बहुवचन में प्रयोग कर दिया ये भी ठीक नहीं है। अद्वयस्य बहुवचन भक्तम भेद रहित तत्व में बहुवचन में प्रयोग करना उसको बहुवचन सेवन करवाना ये जो ठीक नहीं है अभिप्रम ये आशंका है शब्द शंका करके उसको उत्तर में बदलाव चुका रूप में क्या बोलते हैं तो पढ़ेंगे पंद्रह में छः और सात दो टिप्पणियाँ आई हैं। अद्वयस्य बहुवचन भक्तम छः नंबर टिप्पणी में बोल रहे हैं कि अद्वयस्य आत्मन इति शेष आत्मा आत्मा एक नहीं है आत्मा एक ही बहुवचन में प्रयोग करना ये युक्तिसंगत नहीं है। बहुउक्ति विषयत्वम बहुवचन के विषय बनाना बहुवचन का विषय बनाना इति अर्थ। जब अद्वय आत्म बोधक धर्म पदस्य अद्वय आत्म का बोधक है कौन धर्म का जद्वा अद्वय आत्म बोधक धर्म पदस्य बहुवचन अंतत्व बहुवचन में प्रयोग करना इधर तो अद्वय आत्म बोल रहे हो उस अद्वय आत्म को बोध कराने वाला कौन है धर्म पद और धर्म पद को बहुवचन में प्रयोग कर दिया ये युक्ति संगत नहीं है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि जद्वा अथवा इसको ऐसा भी समझ सकते हैं अद्वय आत्म बोधक धर्म पदस्य भेद रहित द्वैत रहित
आत्मा की बोधक जो धर्मपद है उसमें बहुवचन प्रयोग करना युक्ति संगत नहीं है। तो भाष्यकार लिखते हैं धर्म इति बहुवचन देह भेद अनुविधायित्वा अद्वयस्य एव उपचारतः। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे जो धर्म जो बहुवचन में प्रयोग किया गया है वो देह भेद अनुविधायित्वा उपाधि की भेद को अनुसरण करते हुए यहाँ पे धर्म शब्द को प्रयोग कर दिया। क्योंकि मैं कल भी बताया था श्रुति के दो भाग है, एक है अनुवाद भाग एक है प्रतिपाद भाग। जितना हमारी बुद्धि में बैठी हुई है उसके ऊपर अनुवाद करते हैं ताकि हम भाव ना जाए हाँ ठीक है तुम सही बोल रहे और फिर पकड़ के समझा दें फिर पकड़ के समझा दें भाग जाने से तो अक्षर नहीं कर इसलिए पकड़ के बहुवचन भक्तम सात नंबर बहुवचन भक्तम बहु विषय। ठीक है भाष्यकार बोलते हैं धर्म इति बहुवचन देहविधा देह भेद अनुविधायित्वा अद्वयस्य एव उपचारतः गौण से प्रयोग किया। दो नंबर टिप्पणी के अगर उपचार मतलब आरोपाद इति अर्थ अद्वयस्य आत्मन बहुवचन आरोपाद आरोप कर उपाधि के आरोप करके ऐसा कहा गया है। अच्छा अब जो है आगे फिर टीका में देखिए उत्तरार्थम योजयति उत्तरार्थम योजयति उत्तरार्थम मतलब ये जो एवमेव विज्ञानं जनाति उत्तरार्थ हो गया उसको अपन में उसको अर्थ करते हैं एवं एव यथक्त विज्ञानम है ना। ये जो ऊपर जिस विज्ञान के बारे में कथा कहते हैं विज्ञान विज्ञप्ति पहले बोल कर कहते हैं विज्ञान मतलब बोल स्वरूप आत्मा जात्यादि रहित जात्यादि रहितम वो जन्म रक्ताभास चलाभास तो वस्तुआभास उसमें जाति नहीं है गुण नहीं है कर्म नहीं है क्रिया नहीं है दुर्दत्त धर्म है नहीं उसमें जात्यादि रहितम अद्वयम आत्मतत्व ये भेद रहित आत्मतत्व को विजानंत जानने वाले व्यक्तियों का वो कौन होगा वो जानने वाला व्यक्ति तो एक ही शब्द में भगवान भाष्यकार अधिकारी को निरूपण कर दिया कि कौन हो सकता है जिसने बाहरी विषय के बिल्कुल इसके अंदर से चले गए पुनर्नाम पतंति दोबारा फिर गिनते नहीं है कहाँ अविद्वाध्वान्त सागरे विपर्ये अविद्या अज्ञान से घिरा हुआ अंधकार में सागर सागर मतलब उल्टा बुद्धि में फिर नहीं फंसते हैं उल्टा बुद्धि में नहीं फंसते हैं। तीन चार टिप्पणी तो कर ली था मुलक ने है ना अद्या विधि अद्या ब्रह्म आत्मतेन जानंत ये अपने को व्यापक रूप में समझने वाला व्यक्ति अत्यक्त वाहिषण मतलब त्यक्त अनात्म पद अर्थ अभिलाषा त्यक्त अनात्म पदार्थ अभिलाषा ठीक है ना टिप्पणी त्यक्त बाह्यषण बोला ठीक है ना पुत्रेशन विद्येशन लोकेशन परंतु आत्मषण ध्येयषण ये तो नहीं गया टिप्पणी कर यहाँ पे बोलते अनात्म त्यक्त अनात्म पदार्थ अभिलाषा जो मतलब शरीर अभिलाषा भी जिसने छोड़ दिया उसके द्वारा आत्म ज्ञान हो सकता है। ना पता दिया अच्छा अफ्रीका में क्या बोलते हैं विज्ञान विज्ञप्ति ही विज्ञप्ति रूप ब्रह्म इति अर्थ विज्ञान मतलब विज्ञान क्रिया नहीं है बोध स्वरूप ये व्यापक चेतन है ना व्यापक चेतन कॉन्शियस एक्सिस्टेंस है ना ये ब्रह्म इति अर्थ यथक्त ज्ञाने मुख्य मुख्यान अधिकारिणो व्यापदिशति यथक्त ज्ञाने मुख्यान अधिकारिणः तो अधिकारिणों में कौन सा विभक्त होना चाहिए अधिकारिणः ये कौन सा विभक्ति वचन होना चाहिए नहीं भगवान ये किसके साथ अन्याय हो रहा है मुख्य मुख्यान द्वितीय बहुवचन द्वितीय बहुवचन यथक्त ज्ञाने मुख्य अधिकारियों को उपदेश दिखाते हैं भगवान नाशिक मुख्य अधिकारियों को अधिकारिणः मुखान अधिकारिणो व्यापदिशति उक्त ज्ञानवताम संसार संत्रास अभाव प्रमाण आह
इस प्रकार जानने वाले व्यक्ति का संसार संबंधी ज्ञान का अभाव हो जाता है। इस विषय में प्रमाण को कहते हैं उक्त ज्ञान मतलब शुद्ध चेतन व्यापक में इस प्रकार अनुभव करने वाले व्यक्ति का संसार संतरास अभावित संसार में रहते हुए भी संसार संबंधी संतरास उससे अभाव हो जाता है उसका। इस विषय में प्रमाण को कहते हैं विज्ञान अजम अचलम भाषम चीति तब इदानी दृष्टांत प्रपंच अभी तक जो है सृष्टि होना संभव नहीं है इसके पीछे हेतु देकर के स्पष्ट कर दिया जो देगा। अब आपको क्या देना पड़ेगा दृष्टांत देना पड़ेगा आपकी प्रतिज्ञा वाक्य को पुष्ट करने के लिए पहले हेतु और फिर दृष्टांत। अब दृष्टांत को लेकर के चलते हैं। विज्ञानम अजम अचलम जो शुद्ध चेतन है वो जन्म से रहित है और समस्त प्रकार की क्रिया से भी रहित है एवं और जाता भाषण चल और ये जो जातीय भाषण वस्तुओं का चला भाषण ये भी हमको दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वो भी दिखाई पड़ता है ये भी कहा गया है। और वास्तविक देखिए इधर बोल रहे हैं अजम अचलम और इधर बोल रहे हैं जातिया भाषण चला भाषण दोनों शब्दों को मिलाइए। यदि जहाँ पे जन्म नहीं है वहाँ पे जन्म को देखना होगा जन्म आभास। जहाँ पे क्रिया नहीं है चलना नहीं है वहाँ पे चलन को देखना चला भाष। इसलिए बोलता है जातिया भाषण चल इसको भी वहाँ पे कहती उत्तम ये जो प्रतिज्ञा वाक्य को पुष्ट करने के लिए हेतु दिया था उसी को यहाँ पे दृष्टांत के द्वारा विस्तार करते हैं। तदिदानी दृष्टांत प्रपंच इति आठ नंबर टिप्पणी मतलब तद इति वास्तव स्वरूप विज्ञान का वास्तविक स्वरूप को हम कहना चाहते हैं दृष्टांत हमको दिखाई क्यों पड़ता है वो दृष्टांत को लेकर समझाएंगे। इसलिए बोलते हैं तद इधानी तद वास्तव स्वरूप इति अर्थ ये इसका विपरीत अर्थ है। अच्छा अश्लोक में आने ऋजुवक्रादिकाभास मलातस्पन्दितं यथा ग्रहणग्राहकाभासं विज्ञानस्पन्दितं तथा ऋजुवक्रादिकाभास मलातस्पन्दितं यथा ग्रहणग्राहकाभासं विज्ञानस्पन्दितं तथा। शंका तो यह है मन में कि यह विज्ञान तो व्यापक प्रकार उसका स्पंदन कहाँ से होगा। इस प्रकार विज्ञान में स्पंदन नहीं है आभास स्पंदन जल की प्रति सूर्य की प्रतिबिंब जिस जल में भी वो जल में हिलना डुलने का सूर्य हिलना डुलना जैसा दिखाई यहाँ भी ऐसा ही है कि मतलब जिस अंतकरण में प्रतिफलित चेतन है वो अंतकरण की वृद्धियों के कारण चेतन में ये सब है आभास दिखाई देने लगता है जब आभास वस्तु दिखाई देने लगता है। ऋजु वक्रादिका भाषण जो कहीं पे सीधा दिखाई पड़ता है कहीं पे टेढ़ा मेढ़ा दिखाई पड़ता है जैसे भी आकार में आप उसको घुमाएंगे तद अनुप आकार करें कभी जोड़ कभी लंबा कभी सीधा कभी आठ कभी छह कभी बना सकते हैं तो वक्रादि मतलब अलात स्पंदित जैसा अलात स्पंदन के कारण मतलब वहाँ पे वाइब्रेशन अथवा घूमना चलन के कारण वो आकार दिखाई पड़ते हैं वास्तविक अलात में कोई आकार नहीं है। अच्छा और ना कहीं से आप पूरा कमरा बंद करके जिसमें कोई घुस ना सके ऐसा करके एक इलेक्ट्रिक आप जला करके आप देखिए घुमाइए आकार तो आप ये नहीं कह सकते बाहर से कहीं से वो आकार आ गया और फिर जब बंद कर दिया तो बाहर कहीं चला गया क्योंकि अपने दरवाजे के पीछे बंद कर रहा कैसे घुस करके कोई ला के जोड़ भी नहीं सकता। तो अलातम स्पंदन इस प्रकार से ग्रहण ग्रह का आभास होना मतलब विषय और विषय का जो आभास होता है ग्रहण शब्द के प्रमाण को देते हैं प्रमेय वस्तु सहित प्रमाण और ग्रहण का प्रमाता इसका जो आभास होता है ना वो भी विज्ञान का स्पंदन
विज्ञान स्पंदितम तथा वास्तविक विज्ञान को शुद्ध विज्ञान में स्पंदन नहीं है, प्रतिफलित विज्ञान में स्पंदन की प्रतीति होती है। ये नहीं कि जो है सूर्य वहाँ पे प्रवेश करके हिल रहा है, ऐसा तो कभी हुआ है कि अपने स्थान पर ही है, विज्ञान भी अपने स्थान पर ही है, वो अंतकरण प्रतिफलित होता है। अंतकरण की वाइब्रेशन के कारण विज्ञान वाइब्रेशन की प्रतीति हो जाए, जल हिलने डुलने के कारण सूर्य में हिल डुल रहा है, ऐसा प्रतीति होती है आपके आत्मा, बाकी सूर्य का भी हिलता डुलता नहीं है। इसको समझाने के लिए यहाँ पे बहुत लेकिन यहाँ पे एक नंबर टिप्पणी दिखाई दे रहा है मूल में, ऋजु इत्यादि पलातस ऋजु वक्रादि आकार अवभाषण जब ये पलात पलात किसको बोलते हैं, एक दो प्रकार के हैं, ये देवता की लकड़ी यहाँ पे होता है ना, उसमें बहुत तेल होता है, यदि आप उसके एक माथे पे चढ़ा दोगे ना वो अपने आप ही जलता रहेगा, लंबा समय तक जलता रहेगा। गाँव के एक कंट्री में जब बिजली की व्यवस्था नहीं थी वो लकड़ी एक ऐसी होते जानते जाते थे, अलात्मा का है कि सामान्य लकड़ी के माथे पे आपने कपड़ा लपेट कर दी फिर वहाँ पे आप चलाए, जैसे बोलते अलात शरीर वक्रादि आकार उस अलात में जो सीधा टेढ़ा आदि आकार दिखाई पड़ता आकार जैसा, तो उसका वो भाषण है एक लात के माथे में कभी पर वो कैसे रूप में दिखाई दे रहा है, आकार के साथ वो अपने दिखाई दे रहे हैं। अब भाषण हम जब तब अलात स्पंदितम एवं अलात का मूवमेंट के कारण ऐसा होता है, अलात स्पंदन निमित्त तथा अलात के स्पंदन के निमित्त से वो आकार दिखाई पड़ता है, अलात की स्पंदन की निमित्त से वो आकार दिखाई पड़ते हैं। कोई बात ऐसा बोलते हैं कि उसमें अलात हो गया उपादान और स्पंदन हो गया निमित्त आकार देखने में, क्या बोला एक हमको किसी वस्तु की उत्पत्ति में दो चीज चाहिए, उपादान कारण एक निमित्त कारण। तो कोई बात ऐसा बोलते हैं कि अलात मतलब जिसके माथे पे आम चल रहा है वो भी उपादान और उसका स्पंदन हो गया निमित्त, ठीक है ना, तो तब उसकी उत्पत्ति होती है। अच्छा आप बताओ घड़ा को बनाने वाला उपादान कारण है बनने वाला मृत्यु का और निमित्त कारण है पुनः, ठीक है। अब क्या है जो निमित्त कारण नहीं रहने से घर रह सकता है, निमित्त कारण नहीं रहने पर भी घर रह सकता है, क्योंकि बाजार में कुम्हार नहीं ले जाता कोई दूसरा व्यक्ति ले जाता है, मतलब उपादान के बिना घर नहीं रह सकता है परंतु निमित्त के बिना भी घर रह सकते हैं। आप यहाँ पे लगे दृष्टान्त भाग है दृष्टान्त में क्या बोला, निमित्त हो गया वाइब्रेशन आकार दिखाई पड़ता है, तो निमित्त बंद हो जाए आकार दिखाई देगा कि नहीं देगा, यदि ऐसा निमित्त उपादान कारण हुई होती तो निमित्त कारण के अभाव में भी द्रव्य दिखाई देना चाहिए था तो नहीं दिखाई देता, इसलिए ये सिद्धांत तो सही नहीं है, ऐसा नहीं क्या बोलना, ठीक है ना। बस यही चीज यहाँ पे निमित्त नैमित्तिक ऐक्यात्व तत्स्पंदनम एव तत्ति यदि उक्तम वेदितव्य, निमित्त और नैमित्तिक जिसकी निमित्त से जो उत्पन्न हो उसको नैमित्तिक निमित्त हो गया स्पंदन और नैमित्तिक हो गया आकार, है ना, तो निमित्त ही नैमित्तिक रूप में दिखाई पड़ रहा है उसमें निमित्त कर ऐक्यात्व को एक होने कारण तो तत्स्पंदनम एव तत्व स्पंदन ही वो आकार है, स्पंदन से आकार उत्पत्ति पर नहीं स्पंदन ही उसको है, इसलिए तब इति इति उक्तम वेदितम ऐसा यहाँ पे कहा गया है ऐसा समझना चाहिए। एवं ठीक उसी प्रकार से ग्रहणम ज्ञानम वहाँ पे क्या बोला ग्रहण और ग्राहक, ठीक है ना, तो आप दृष्टान्त को बोल करके दृष्टान्त में घटा रहा है, ग्रहण ग्रह ज्ञानम ग्राहक विषय इत्यादि आकार विज्ञान से चित्त अवभाषणम जत, ठीक है ना, तब विज्ञान स्पंदनम एव विज्ञान विवर्त निमित्तम एव चित विवर्त रूपम एव इति जा, ठीक है। क्या बोल दृष्टान्त दृष्टान्त में इसको कैसे घटाएंगे आप, पहले बोला कि इसका निमित्त कारण उपादान कारण मान करके और निमित्त तो नहीं रहने पर भी जब वस्तु रहता था तब तो वह धर्म समझ, जब निमित्त नहीं है तो वस्तु भी नहीं है। यहाँ पे बोलते हैं पहले इसको समझना चाहिए निमित्त नैमित्त कई और ऐख्या, तो इसके निमित्त से जो वस्तु दिखाई दे रहा है वही वो वस्तु है, वो दोनों भिन्न नहीं है, निमित्त नैमित्त कई और ऐख्या मतलब जिस निमित्त से वो आकार दिखाई दे रहा है वास्तविक वो आकार निमित्त ही आकार है पक्ष भिन्न नहीं है, इसलिए बोलते हैं तत्स्पंदन में मतलब उसका स्पंदन ही वही है, इति उक्तम ठीक इसी प्रकार से एवं अब विज्ञान है, विज्ञान में ही अपने दो विभाजन कर दिया, एक हो गया विषय एक हो गया विषय, ठीक है ना, इसे बोलते हैं एवं ग्रहण मतलब ज्ञान और ग्रहण हो गया विषय
इत्यादि आकारे विज्ञानस्य विज्ञान कौन है चित्त जो चैतन्यमय शब्द है विज्ञानस्य चित्त षष्ठी चित्त अवभाषणम वो जो मतलब आपका आँख है वही उस रूप में दिखाई दे रहा है थोड़ा हिलने डुलने के कारण आकार हो गया उसके इसलिए चित्त अवभाषणम जब तद विज्ञान स्पंदितम एव वो विज्ञान का स्पंदन है यहाँ पर स्पंदन मतलब विवर्त बोलते हैं विज्ञान विवर्त निमित्त एव मतलब अपने में कोई परिवर्तन नहीं करते हुए देखो विवर्त के लिए परिभाषा दिया है हमारे आनंद गिरी जी ने सेकेंड लाइन लिखा आनंद गिरी का अप्रच्युत पूर्व स्वरूप असत्य नाना आकार अवभाष विवर्त ठीक है सडनली कर लिया विवर्त का सुंदर परिभाषा दिया हुआ यहाँ पर अप्रच्युत पूर्व स्वरूप असत्य नाना आकार अवभाष विवर्त मतलब अपने स्वरूप में कोई प्रच्युति नहीं करते हुए जो भिन्न भिन्न आकार में प्रतीति होती है उसी को यहाँ पे विवर्त शब्द के द्वारा कहा गया है तो यहाँ पे बोलते हैं इसलिए टीकाकार टिप्पणीकार बोलते हैं एवं ग्रहण ग्रहण ज्ञानम ग्रहत्व विषय इत्यादि आकारे मतलब ग्रहण ग्रह मतलब विषय प्रमाता प्रमाण प्रमेय ध्यान ध्याता ध्येय अगर विषय विषय अगर उसका ग्रहण सब जो त्रिपुटी हमको दिखाई पड़ता है उसका विज्ञान का ही रूप है विज्ञान उसमें विवर्तित हो गया एवं ग्रहण एवं ग्रह का विषय इत्यादि आकार विज्ञान विज्ञान क्या है उचित अशुद्ध चेतन अब भाषण उसी को हम उस रूप में देखते हैं जब तब विज्ञान स्पंदित हो विज्ञान की स्पंदन ही है स्पंदन विज्ञान में नहीं है तो चिताभास उस रूप में दिखाई पड़ता है इसलिए आप देखते हैं विज्ञान विवर्त निमित्त विज्ञान की विवर्त के निमित्त से विज्ञान की विवर्त मतलब अपने में कुछ परिवर्तन नहीं करते हुए अपने को अनेक रूप में दिखा देना यही माया है विवर्त विवर्त चित विवर्त रूप है मतलब वो चैतन्य का एक विवर्तित रूप है मतलब अपने में कोई परिवर्तन नहीं करते हुए अनेक रूप में उसको देखना पूर्वों के बाद इति यावत इसका भी होता है ये जो इसलिए बोलते हैं अघटन घटन पटीय से माया जहाँ भी अनेक होना संभव नहीं है वो उसको अनेक करके दिखा देता है माया कोई अलग वस्तु नहीं है वो हमारे स्वरूप अज्ञानी माया है स्वरूप का अज्ञानी माया है और यदि आपका स्वरूप ज्ञान हो जाएगा तो माया नाम कोई वस्तु रहेगा कि वस्तु नहीं स्वरूप अज्ञानी माया इसको ध्यान रखना प्रच्युत पूर्व स्वरूप से असत्य नानाकार अवभाष विवर्त तत्र विज्ञान से स्पंदित उसी को यहाँ पे विज्ञान का स्पंदन शब्द की तरह कहा गया है तत्र विज्ञान से स्पंदित यही विज्ञान का स्पंदन था नौ नंबर टिप्पणी मतलब विवर्त रूपा ये विज्ञान का विवर्त मतलब ये विवर्त रूप है ना यही विज्ञान का स्पंदन है मतलब स्पंदन विवर्त अलग नहीं है इस प्रकार ये जो अलाद में यहाँ पे कोई लाइट हमने जलाया कि थोड़ा हिला तो हिलना और आकार देखना कोई अलग वस्तु नहीं है हिलने से आकार उत्पत्ति नहीं हिलना ही आकार रूप हो गया इसी के बोलते हैं ये तब विवर्त रूप विवर्त तत्र विज्ञान से स्पंदित स्पंदित तो यही विज्ञान का स्पंदन है अच्छा तो टीका का दो लाइन भी हो गया टिप्पणी भी हो गया तो विवर्त की परिभाषा भी यहाँ पे मार्क करके रखना हम छोटे में बोलते अतात्विक अन्यथा भाव अतात्विक अन्यथा भाव जिसमें तत्व रूप में अन्यथा भाव कभी नहीं हो गया विवर्त और तात्विक अन्यथा भाव हो गया परिणाम ये परिणाम बदला अब जो है टीकाकार बोलते हैं कि श्लोकस्य तात्पर्य श्लोक की अभिप्रेता तो भगवान भाषा बोलते हैं श्लोकस्य तात्पर्य यथोक्तम परमार्थ दर्शनम प्रपंच ईश्वर आह ऊपर मतलब न पतंत एवमेव बीजानंत ये यही पारमार्थिक दर्शन है कि मैं जानता हूँ मृत्यु से नहीं एक शुद्ध चेतन तत्व मात्र ये अनुभव करना इस प्रकार ज्ञान शुरू क्या होता है कि संसार सागर में नहीं गिरते यथक्तम परमार्थ यही हो गया यथक्त परमार्थ दर्शन दो नंबर टिप्पणी परमार्थ दर्शन देखिए क्या सुंदर दिख रहा है परमार्थ दृश्यते विद्यते दर्शन शब्द का सामान्य अर्थ होता है देखना इस तरह से बनता है दर्शन मतलब मतलब देखना अंत वेदांत मतलब इंडिया में यह दर्शन शब्द का मतलब वो देखना नहीं है उसका बोलते हैं अनुभव हाँ दर्शन मतलब अनुभव उसको बोलते हैं दृश्यते विद्यते अनुभूयते दृश्यते मतलब अनुभूयते इति दर्शनम और यह परमार्थ दर्शन यहाँ पे कर्मधारय समास है जो परमार्थ है वही दर्शन है इसलिए बोलते हैं परमार्थम च तत् अरे पारमार्थिक भी है
वो पारमार्थिक भी है। अन्य वस्तु जो इंद्रियों के द्वारा देखते हैं पारमार्थिक नहीं है, और ये इंद्रियों रहित अनुभव है इसलिए पारमार्थिक है। दृश्यते विद्यद्वी अनुभूयते इति दर्शनम, और परमार्थम च तत्त्वो परमार्थी विद्य परमार्थ दर्शनम में कर्म द्वारा समास होता है। परमार्थ एक सत्त अनुभूयते इति परमार्थ दर्शनम, उसका मतलब क्या होगा यदि अबाधित आत्मतत्त्वम है ना, अंधश्रद्धा ज्ञान बाधित हो जाता है, अद्वितीय ज्ञान बाधित नहीं होता। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्त है ना, एक बार इसको प्राप्त हो जाएगा ये कभी बाधित नहीं होता। चेष्टा सब अंत काल जब तक इस भाव को बना है, इसलिए बोलते हैं कि अबाधित आत्मतत्त्वम इति अर्थ, अबाधित जो आत्मतत्व है वही यहाँ पे परमार्थ दर्शन है। जब तक उसको प्रपंच प्रपंच विस्तार करने की इच्छा से आम यहाँ पे बोलते हैं यथा ही होके यथा, वो जो श्लोक में ऋजु अपराधिका भस्म अलात स्पंदितम यथा, उसका अंत पैर यथा को पैर लगाया यथा ही लोगे ऋजु अपराधि प्रकार आभाषम अलात स्पंदितम उल्का चरणम है ना। एक अलात और उल्का में इतना भेद है, उल्का मतलब केवल लट्ठे के माथे पे आम, और अलात मतलब कपड़ा लगा लपेट कर खरीदते हैं, उल्का चरणम। अच्छा उल्का बोलते हैं ना कोई ग्रह नक्षत्र गिरते हैं, एक आग पिंड जैसे अलग तो उल्का चलना, तथा ठीक उसी प्रकार से ग्रहण ग्रह को आभाषण विषय विषय आभाषण इति अर्थ, ठीक है ना। कोई विषय विषय आभास होता है, ये भी जो है ये अलात की स्पंदन की तरह विज्ञान की स्पंदन मात्र ही है। तथा ही लोके ऋजु वक्रादि प्रकार आभाषण अलात स्पंदितम उल्का चलना, मतलब अग्निपिंड की चलना जैसा, तथा उसी प्रकार ग्रहण ग्रह आभाषण विषय विषय आभाषण इति अर्थ। उसी प्रकार से ग्रहण ग्रह आभास होता है तो विषय विषय आभास होता है। ये किम तद विज्ञान स्पंदितम, ये जो है कि विज्ञान के स्पंदन बोल रहे हैं, वो विज्ञान का स्पंदन क्या है, तो बोलते हैं स्पंदितम इव स्पंदितम अविद्या, क्या विज्ञान की स्पंदन हो सकता है, तो उसका व्याख्या बोल रहे हैं बोलते स्पंदितम इव स्पंदितम, स्पंदन हुआ जैसा है ना, क्यों अविद्या, अविद्या से आपने परिच्छिन्न माना अपने को, फल स्पंदन हो रहा है अविद्या से परिच्छिन्न, नहीं अचलस्य विज्ञानस्य स्पंदनम अस्ति है ना। जो व्यापक तत्व है उसमें स्पंदन कहाँ से होगा, उसमें बड़ा शब्द नहीं अचलस्य विज्ञानस्य स्पंदनम अस्ति, ये बोल करके अचल अचलम इति उक्तम। ये 45 नंबर श्लोक देखिए 45 में क्या बोलता है, अजम अचलम अवस्तुत्तम विज्ञानम शांतम अद्वयम, ठीक है ना। अजम अचलम अवस्तुत्तम, जन्म रहित है वो चल गति से रहित है और द्रव्य धर्म से भी रहित है, वो विज्ञान की जगह तो स्वरूप है, ये कह करके आया। इसलिए वास्तव में विज्ञान में स्पंदन होना ही संभव नहीं है, परंतु ये जो दिखाई दे रहा है ये केवल प्रतीति मात्र ही है, यहाँ पे कोई स्पंदन की भी आवश्यकता नहीं है, ये इसका विज्ञान है। अब टीकाकार देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पे, तत्र दृष्टांत भागम व्याचस्ते यथक्तम परमार्थ दर्शन को भिक्षा ने दिखाने के लिए एक दृष्टांत भाग है एक द्राष्टांत भाग है। दृष्टांत हो गया अलग और द्राष्टांत हो गया विज्ञान, ठीक है ना। देखो तत्र इन दोनों में दृष्टांत भाग को व्याख्या करते हैं, यथा ही लोगे है ना ऋतु अपराधि प्रकार आभाषम अलात स्पंदितम उल्का चरणम तथा ग्रहण ग्रह का आभाषम विषय विषय आभाषम इति बोले दृष्टांत कब जो यदि दृष्टांत को दिखा करके आप दृष्टांत में अन्वय कर रहे हैं, मतलब दृष्टांत से संबंध रखने वाला दृष्टांत कब, दृष्टांत से बनते ठक प्रत्यय करके ठक या ठैन ठैन प्रत्यय हो सकता है, ये दृष्टांत दृष्टांत के तथित है ये। तथा ग्रहण ग्रह का आभाषण विषय विषय आभाषण अर्थ, उसी प्रकार से ये जो मैं ग्रहण करने वाला हूँ, हमारी ग्रहण करने जो वस्तु है, मैं भोगता हूँ ये भोग वस्तु, इस प्रकार जो आभास होता है वो विज्ञान में है, वो आभास दिखाई पड़ते हैं। अच्छा आज बात बोलते हैं किमिति अविद्यम अंतरेण मुखमेव स्पंदन विज्ञान समय सभी, ये बताओ अज्ञान के बिना मुख ही विज्ञान में स्पंदन होता है, जिस अलग में सीधा सीधा मुख दिखाई पड़ता है, विज्ञान में भी ऐसा ही जो स्पंदन सीधा सीधा दिखाई, अज्ञान क्यों ले रहे हो अज्ञान से स्पंदन दिखाई, ये क्यों बोल रहे हैं आप, मुख स्पंदन क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि
किमिति अविद्या अंतरेण अविद्या को छोड़ करके वहां पे क्या बोला था स्पंदितम जीव स्पंदितम अविद्वया, ठीक है ना, भाष्यकार ये बोला। तो प्रश्न उठाते हैं आप जो है स्पंदन को अविद्या से क्यों बोल रहे हो, मुख्य स्पंदन है वहां पे, मुख्य स्पंदन के बिना आकार देखना संभव नहीं है। तो जैसे अलात में है ऐसे यहाँ पे अलात में ये दृष्टांतों को आपने दिया, इससे ध्यान रखना है दृष्टांत दृष्टांत पूरा भाग कभी भी एक नहीं हो सकता, तो कोई वस्तु हो जाएगा कुछ हिस्सा को छोटा हिस्सा को लेकर के हम उसका समान करके बोलते हैं। यहाँ पे शंका भी इस प्रकार अलात में स्पंदन से आकार दिखाई पड़ते हैं, तो विज्ञान में भी जो यथार्थ स्पंदन में कभी तो आकार दिखाई पड़ता है, यहाँ पे जो अविद्या एक बोल देगा प्रतीयमान चरणमेव शब्द सत्य व्यक्ति से व्यक्त होता है उसको क्यों नहीं मानते चरण यदि ऐसा कहते हैं तत्र नहीं अचरस्य विज्ञान से स्पंदनम अस्ति। हमने पहले प्रतिज्ञा करके आया कि विज्ञान जब अचर अचर है तो विज्ञान में बोलूंगा चल जब तुम बोलो तुम बोलवा पर विरोध कर रहे हो, इसलिए अचर जो हमने प्रतिज्ञा किया वो सिद्धांत तो हमारा एक ही है, इसीलिए अज्ञात से अज्ञात अभिप्राय क्या है प्रतिफलित चेतन में स्पंदन दिखाई पड़ते हैं, यदि शुद्ध चेतन आएगा तब आपको कोई वस्तु नहीं दिखाई, अचरस्य विज्ञान से स्पंदनम अस्ति अजय अचरा भी मुक्ता। इसी को अर्थ करते हैं नील अवयवस्य विगुणः विज्ञानस्य वस्तुतः चलन विकल्पस्य अविद्यमानम् एव स्पन्दनम् इति अत्र वाक्य उपक्रम आनुकूल्यम् कथयति, है ना। नील अवयवस्य क्योंकि वो अवयवहित वस्तु है, अब व्यापक है, विगुण यशस्वी है, तो प्रतिपद क्या होगा विभु, कौन सा लिंग देखो, कौन सा लिंग क्या होगा इसका, मधु शब्द देखो मधु शब्द हाँ न्यूट्रल जेंडर क्योंकि हम पहले कभी बोलते हैं ना ऐसे तो विभु शब्द तो मैस्कुलिन में प्रयोग होता है परंतु न्यूट्रल जेंडर मधु मधुनी मधुनी मधुना मधु मधुनी मधुनो मधुना मधुनी इस प्रकार जो प्रकार विभु न विज्ञान सुषष्टि अध्याय जो आगे पीछे दोनों षष्टि से घिरा हुआ है ब्रैकेट बीच वाला भी षष्टि होगा, है ना, नीलावयवस्य षष्ठी विज्ञानस्य षष्ठी तो विभुण षष्ठी, है ना। तो नील अवयव विभु अज्ञान स्वरूप है आत्मा है उसको वस्तुतः चरण विकल्प अस्य विकल्पस्य वस्तुतः चरण विकल्पस्य अविद्यमान स्पंदन, इसीलिए भावनात्मक चरण वहाँ पे एक विकल्प है, है ना, वस्तुतः चरण विकल्पस्य पारमार्थिक चरण एक विकल्प है, विकल्प मतलब शब्द ज्ञान अनुपति वस्तु शब्द उसका संभव नहीं कम शब्द प्रयोग किया हुआ है, आदमी विकल्प शब्द का तो क्या है शब्द प्रयोग होगा तो बोध उत्पन्न होगा और वो है कोई हमारा संभव नहीं, इसलिए उसमें हिलता उलता है तो हमारे मन में कोई भावना होगा पर जो वास्तव में हमें हिलना डुलना नहीं है, वस्तुतः चरण विकल्प अविद्यमान में वहाँ पे चलना संभव ही नहीं है। स्पंदन यहाँ पे स्पंदन शब्द इसकी वजह इस विषय में इसके अपने स्पंदन शब्द वगैरह कहा गया वाक्य के उपक्रम का शुरू में इस प्रक्रिया के शुरू में वाक्य उपक्रम अनुकूल कथा है उसकी अनुकूलता को दिखा जाएगा 45 नंबर भाष्य में बोल कर दे अजम अचल इत्यादि उत्तम, इसलिए आप लोग कभी हो गए ये देखिए 45 में लास्ट में क्या कह कहते हैं विज्ञानम शांतम अद्वयम अजम अचलम वस्तुतम विज्ञानम शांतम अद्वयम, है ना, वहाँ पर तो चरण होना संभव नहीं है। तो इस जो इंद्र कह करके आए थे कि विज्ञान शांतमिति उत्तम कहाँ वही चाहिए 45 नंबर पर चतुर्थ पद में उत्तम दृष्टान्त स्पष्ट थे उसको दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करके कहते हैं 48 नंबर में, ठीक है, अस्पंदमान अलत अस्पंदमान अलत अनाभाषम अजम यथा अनाभाषम अजम यथा अस्पंदमानं विज्ञानं अस्पंदमानं विज्ञानं मनाभाषमजं तथा मनाभाषमजं तथा अस्पंदमानं अलाद मनाभाषमजं यथा
अस्वन्दमानं विज्ञानं अनाभासमजं तथा। यदि आप उस कला में कोई स्पंदन नहीं करते हैं तो आपको कोई आकार नहीं दिखाई देगा, है ना, केवल अपिंड दशा दिखाई देगा। अस्पंदमानम अलंकम अनाभासम, वहाँ पे कोई आभास नहीं है और वो आभास अजय है, मतलब जन्म रहित है वो आभास। यहाँ एक नंबर टिप्पण होता है अस्पंदमानम, मतलब विवर्त वर्जितम, विवर्तन मतलब वास्तविक परिवर्तन है, वास्तविक आकार वहाँ उत्पन्न नहीं होते हुए आकार में दिखाई देते, विवर्त है। इसे होता है अस्पंदमानम अलंकम अनाभासम अजम यथा, जिस प्रकार वहाँ पे कोई आभास मतलब आकार की आभास, जो आकृति की अथवा रूप में दिखाई दे उसके आभास वो और भय नहीं वहाँ पे, क्यों, क्योंकि जन्म रहे थे उसको उत्पत्ति हुई नहीं, तो जो अलग मत किया जाता कि किसी प्रकार अस्पंदमान विज्ञान, जब विज्ञान में कोई स्पंदन नहीं होता, ठीक है ना, अनाभासम अजम तथा, वहाँ भी तक कोई विषय रूप आभास में नहीं दिखाई देगा और विषय तो क्या होगा, विषय की उत्पत्ति भी नहीं होगी, विषय को उत्पत्ति भी नहीं होगी, ये मानना पड़ेगा आपको। अब इसका तो आप किसी भी समझ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति बैठ करके मान के ईश्वर के पास यदि थोड़ा मन एकाग्र होता है, मतलब विज्ञान बुद्धि में, विज्ञान बुद्धि में अंतकरण में मार्गदर्शन नहीं है तो मान जगत दिखाई देगा। इसका सुषुप्ति अवस्था में जब आप बुद्धि के वाइब्रेशन बंद हो जाते हैं तब आपको जगत कहाँ दिखाई देते हैं, कुछ व्यवहार नहीं करते हैं, वैसे ही पड़ा रहते हैं। इसी प्रकार से जागृत में बैठ करके यदि सुषुप्ति में जा रहा है तब क्या हो जाएगा, कोई आभास नहीं रहेगा, ऐसे ही पड़ा है। ठीक है, अस्पंदमान अलातम अनाभासम अजम तथा अस्पंदमान विज्ञान, जब विज्ञान में कोई स्पंदन नहीं होता अनाभासम, तब ये जो भी आकर आभास के सामने दिखे, जात्याभासम वस्तुआभासम चलाभासम, ये तीनों नहीं रहेगा। अच्छा, क्योंकि उसकी उत्पत्ति हुई नहीं तथा उसी प्रकार से जैसे मतलब अलात में वैसे विज्ञान में, जैसा तथा अलाते तथा विज्ञान, यही इसका विपरीत है। देखो लिखते हैं श्लोक अक्षराणि व्याकरण, श्लोक में आए हुए पद को भगवान भाष्य में व्याख्या करते हैं। अस्पंद मानव मतलब स्पंदन वर्जितम, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, तदेव अलातम, वो जो अलात है वही अलात जिस समय उसमें कोई स्पंदन नहीं है, ऋज्वादि आकारेण अजायमानम, सीधा तेरा वक्र इस आकार में वो अलात उत्पन्न नहीं हो रहे, अलाप से उत्पन्न नहीं रहे, अलाप ही उस रूप में उत्पत्ति नहीं हो रहे, अलग मूवमेंट नहीं है, इसीलिए अलाप से कोई अलग वस्तु उत्पत्ति नहीं समझना। इस प्रकार ब्रह्म से अकस्मत में हम नहीं बोलते, कभी भी नहीं बोलते, उत्पत्ति प्रकरण में भी जब हम बोलते हैं तस्मात वै तस्मात आकाश आत्मना आकाश संबोध आकाशाद वायु, तो हम क्या बोलते हैं, आकाश भावापन्न ब्रह्म से वायु, आकाश से वायु नहीं बनते हैं, आकाश रूप में विवर्त हुआ जो ब्रह्म, उस विवर्तित ब्रह्म से वायु का विवर्तन होता है, ऐसा हमारी जहाँ पे मानते वहाँ पे ऐसा मानते हैं कि किसी प्रकार यहाँ भी वो अलात से आकार तो भिन्न वस्तु नहीं है, अलात ही आकार प्राप्त को प्राप्त कर दिया, अलात ही आकार प्राप्त प्राप्त किया, इसलिए होते तदेव अलातम ऋज्वादि आकार अजायमान अनाभाषम, उस प्रकार से भाषित नहीं होते, अजम यथा वो जैसा जन्म रहित होते तथा अविद्वया स्पंदमानम, अविद्या उभर में अस्पंदमानम, ठीक है ना, अज्ञान से वो विज्ञान में स्पंदन की प्रतीति होती है, अज्ञान निकल जाने पर विज्ञान में कोई स्पंदन नहीं है, मतलब विपरिच्छिन्नता में स्पंदन है और व्यक्तता में स्पंदन होना संभव नहीं है। अस्पंदमानम जात्य उपनिषद में तस्मान का एतस्मान आत्मन आकाश संभूत आकाशाद वायो वायो रग्ने अग्ने अप अग्भ पृथ्वी, इस प्रकार से आया हुआ वहाँ पे, तो इसकी व्याख्यान करते समय और ब्रह्म सूत्र में भी इसको निर्णय करके दिखा, आकाश से वायु उत्पत्ति नहीं, आकाश भावापन्न ब्रह्म से वायु उत्पत्ति होती है, फिर ब्रह्म भावापन्न वायु से आकर वायु भावापन्न ब्रह्म से तेज की उत्पत्ति, तो सारा चीज एक ही कारण मतलब ब्रह्म से ब्रह्म कारणवादी जो है, तब एक ब्रह्म से सब कुछ उत्पन्न होता है, परंतु वो ब्रह्म भिन्न भिन्न रूप में प्रतीति होती है, आकाश भावापन्न ब्रह्म वायु भावापन्न ब्रह्म और
तेज भावापन्न ब्रह्म इस प्रकार से ब्रह्म से ही तभी तो एक कारण बात होगा, नहीं तो आकाश से वायु आप हमें अलग कारण होगा, फिर वायु इस प्रकार होगा। इसलिए एक उसको समझाने के लिए ऐसा व्याख्यान करते हैं। यहाँ भी ऐसा ही समझना, क्या समझना कि विज्ञान मतलब जिस प्रकार अलात और अलात के आकार भिन्न वस्तु नहीं है, अलात ही आकार रूप में प्रतीति होती है, इसी प्रकार ब्रह्म ही आकाश रूप में विवर्तित होती है, इसी प्रकार यहाँ भी विज्ञान ही उस जाति रूप में विषय विषय रूप में प्रतीति हो रहा है अज्ञान के कारण। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे यथा अस्पंद मानव स्पंदन वर्धित तदेव अलतम ऋज्वादि आकारेण अजायमानम अनाहासम अजम यथा तथा, ठीक उसी प्रकार से अविद्या स्पंदमान अज्ञान से स्पंदित हो रहा है, जैसा अविद्या उपर में अस्पंदमान है ना, अविद्या जब नाश हो जाता है तब फिर कोई स्पंदन नहीं है, तो जात्यादि आकारेना अनाभाषम तब क्या हो जाएगा, जात्याभाषम वस्तु भाषम चला भाषम तो उसकी प्रतीति नहीं होगा, अजम अचलम भविष्य वचन रही क्रिया नहीं वो आपको सामने भविष्य शब्द प्रयोग किया, परंतु अज्ञान को ध्यान में रखते हुए हमेशा उस रूप में दृष्टांत देकर के समझाता हूँ। देखो इस प्रकार बचपन से हम लोग यही देख करके आया कि आकाश नीलरंग है, आकाश कटाकार है, शास्त्र पर के विज्ञान पर के हमको ज्ञान हो गया, क्या ज्ञान हुआ, ना आकाश नीलरंग की है ना आकाश कटाकार है। तो इस प्रकार जो पहले जो हम आकाश को नीला कटाकार मानते थे और अभी सच्चाई को जाना कि उनको से दिखाई देने पर भी इसमें आकाश को क्या फर्क पड़ा, आकाश को क्या फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ता आकाश को, ठीक यहाँ भी ऐसा ही, मैं आप लोगों को पहले जन्म में अलग मानता था और अब शास्त्र पढ़ के मेरे को समझ में आ गया कि मैं जन्म में द्वारा रहित हूँ, इससे आत्मा को क्या फर्क पड़ा, आत्मा को पहले जैसे का भी वैसे ही भविष्य पहले हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर टिप्पणियां दिखाई दे रहे हैं, तीन चार पांच छह चार टिप्पणियां, तदेव स्पंद काले जब ऋज्वादि आकार में प्रतीतम तदेव वो अलाति स्पंदन काल में जो ऋज्वादि आकार में दिखाई दे रहा है वो अलाति उस रूप में दिखाई दे रहा है, अलग से कुछ अलग उत्पत्ति नहीं हुई, विज्ञानी इस रूप में दिखाई दे रहा है, विज्ञान से कोई अलग उत्पत्ति नहीं हुई। होगा तीन नंबर, अजाय मानविति ऋज्वादि आकारेण अप्रतीयमानत्व तत्कारेण अजाय मान, ऋज्वादि आकार तो जब आपका ज्ञान नाश हो जाएगा तो अलग में स्पंदन नहीं हुआ तो उसको ऋज्वादि आकार नहीं दिखेगा, मतलब ऋज्वादि आकार उत्पत्ति नहीं हुई, इसलिए ऋज्वादि आकारेण अप्रतीयमान दुष्ट में प्रतीति नहीं होने के फलस्वरूप तद आकारेण अजायमान, यानी कि उस आकार से उसकी उत्पत्ति नहीं हुई, तेन च आकारेण अजायमान उस आकार से उसका द्वंद्व नहीं होने के कारण तद आकारेण अप्रतीयमान से उस आकार से उसकी प्रतीति नहीं होती है ना, इति अर्थ इसका विपरीत अर्थ है। फिर आगे पांच नंबर टिप्पणी, स्पंदमान मतलब विवर्तमान तथा अविद्या स्पंदमान मतलब विवर्तमान विवर्तित हो जाए, मतलब विवर्त मतलब अपने में कुछ भी परिवर्तन नहीं करते, अनेक असत्य अनेक रूप में दिखाई दे रहे विवर्त। फिर छह नंबर के अनाभाषम मतलब अप्रतीयमान इति अर्थ मतलब उसके बिल्कुल ही मान बात हो जाए। नीलावश्य यदि पर व्यथा में अच्छा इसमें श्लोक अक्षर देख सकते अस्पंदमान टीका की एक छोटा सा तथा अविद्या इति अत्र अविद्या इति छेद इतना लिखा है पुस्तक में, कहाँ पे है भाष्य में देखिए इसका 48 का सेकंड लाइन तथा अविद्या, ठीक है ना, वहाँ पे अवग्रह लगा हुआ है, परंतु पहले अवग्रह नहीं मिलता था, तथा विद्या भी कुछ पढ़ सकते हैं, इसलिए आनंदगिरी के समय यहाँ अवग्रह नहीं था शायद, इसलिए आनंदगिरी लिख रहे तथा अविद्या इति अत्र अविद्या इति छेद, वहाँ पे अविद्या छेद करना पड़ेगा विद्या छेद नहीं करना, यदि वहाँ पर अवग्रह नहीं होता तथा विद्या भी पढ़ सकते हैं तथा अविद्या ही पढ़ सकते हैं, आनंद की बोले नहीं नहीं वहाँ पर अविद्या ही पढ़ना है। आज कौन सा होगा फर्स्ट नहीं फर्स्ट का हो गया सेकंड का होगा वैशाखभेद सूर्यजलनिधे वेदनाम्नोत्तरस्थं भूतान्यालोक्यमग्नान्यजगत् जननग्राहघोरे समुद्रे कारुण्यादुर्धतारामृतमिदं मन्ये।
दुर्लभं भूतहेतो यस्तं पूज्यामि पूज्यं परम गुरु मम पादपादैर्न दोषी। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।